सिर्फ 10 दिनों में 1,00,000 सब्सक्राइबर्स। मजाक में लग रहा होगा ना, अबे हकीकत है ये। साथ में है बीरेन सिंह, कहां से? राजस्थान से। आपको मजाक लग रहा होगा यार, सिर्फ 10 वीडियो में 1,00,000 सब्सक्राइबर हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है वो आज आपको तरीके समझने पड़ेंगे। YouTube पर काम करना है, किस तरीके से ग्रो करना है, आज हम थोड़ा सा वीरेन सिंह से जानना चाहेंगे। कैसे हैं सर? बढ़िया सर, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज YouTube वाले बाबा वीरेन सिंह जी से मिलने आए हुए हैं। वैसे तो आप इनको जानते होंगे अगर आप मिस्टर इंडियन के इंडिया हैकर के वीडियो देखते होंगे, क्योंकि वो ये वहां पर वीडियो एडिटिंग और थंबनेल बनाने का काम करते थे। लेकिन सर एक चीज आप मुझे बताइएगा, आपके 10 दिन में 1,00,000 सब्सक्राइबर कैसे? यार हमने तो यार 6-6 महीने काम किया हमारे सब्सक्राइबर, लोग यार 3-3 साल करते हैं 1,00,000 सब्सक्राइबर नहीं हो पाते यार, आप 10 वीडियो में 1,00,000 सब्सक्राइबर कैसे कर लिए? सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मेरे को प्लीज सर से नहीं बुलाइए। अरे कोई नहीं, अरे नहीं, अरे चलिए, मैं इनसे छोटा ही हूँ तो मैं आपका छोटा भाई तरीके से बुला लीजिए। तो हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा आप बताइए, ऐसी क्या चीज आपने लगाई अपने वीडियोज में कि 10 दिन में यहाँ पे यार 1,00,000 सब्सक्राइबर हिट कर गए यार वाकई में? पहली बात देखो, मैं साफ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास शायद एक्सपीरियंस है, मैंने वो चीज़ें काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है। तो जब मैंने चैनल खोला तो मुझे शायद पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ और क्या करने जा रहा हूँ। अच्छा, आपको तो पहले से पता था? बिल्कुल, मुझे पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने सोच के ही स्टेप्स लिए हैं। अच्छा, विदाउट, बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं लिया है। और इतने सालों का एक्सपीरियंस था तो वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं तो लगाना ही था, तो वो उसी चैनल पे मैंने लगाया है। और भाई की थोड़ी बहुत फेशियल भी पहले से थी, काफी वीडियोस के अंदर आ रखे हैं भाई, और काफी अच्छे अच्छे चैनल्स के लिए काम। तो लोगों ने आपको काफी सपोर्ट दिया? जी बिल्कुल, है ना, वीडियो जी बिल्कुल। और कुछ तो वजह होगी ना आपकी वीडियो में, ऐसी क्या वजह जो ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो वीडियो आपकी वायरल क्यों होती हुई, थोड़ी सी वजह बताइए। सबसे पहला थंबनेल है, सबसे पहला थंबनेल। यार झूठ ना बोलना यार भाई, थंबनेल ही होता है सर, सर सच में। आप वैसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, बट मेरे लिए तो फर्स्ट केस यही था, थंबनेल। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं सर, थंबनेल देन टाइटल टॉपिक देन कंटेंट। बात समझ में आया, वीडियो में वायरल होने का जो मेन रीजन होता है सबसे पहला थंबनेल होता है। मैं एज एन क्रिएटर बोल रहा हूँ, एज ए क्रिएटर, क्रिएटर सारे क्रिएटर ऐसे ही चलते। अच्छा, क्रिएटर इस तरीके से चलते? बिल्कुल। व्यूअर किस तरीके से सोचता है, जो यूट्यूब पर काम करने की सोच रहा है वो क्या सोचता है? व्यूवर्स देखो, अगर बिगिनर है तो वो सोचता होगा कि मैं ऐसी कोई बड़ी चीज बना देता हूँ, वो डायरेक्ट कंटेंट की तरफ जाते हैं। अच्छा, कंटेंट को देखते हैं कि यार मैं ऐसा चीज बना दूंगा और उसमें ऐसा ऐसा कुछ कर दूंगा, वो थंबनेल के बारे में इतना नहीं सोचते या फिर वो टाइटल के बारे में। कितना टाइम देते हैं आप एक थंबनेल बनाने में, सच बताइएगा? देखिए सच में बता रहा हूँ तो मेरे को 3-4 घंटे लगते हैं, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है। बट आप 3-4 घंटे लगते हैं आपको एक थंबनेल बनाने में? भाई क्या बात है यार, थंबनेल क्योंकि मैं एक नहीं बनाता ना, मैं उसके रिविजन्स बनाता हूँ, काफी सारे रिविजन्स। एक थंबनेल के भी 3-4 रिविजन्स हो गए, 4-5 रिविजन्स हो गए, उसमें जो सबसे बेस्ट रहती है उसको सिलेक्ट करके फिर लगाते हैं अपन अपनी वीडियो पे, जो सबसे बेस्ट रहता है। यार मैंने आपका पता है चैनल देखा हुआ था, जब आपके 10 वीडियो में 1,00,000 सब्सक्राइबर हुआ था आपने वीडियो बनाया था, मुझे यार वाकई में देखकर अचंभा लगा। लेकिन मैंने एक ही चीज सोची, मैंने तुरंत मैंने देखा कि भाई को एक्सपीरियंस है थंबनेल और टाइटल लिखने का, ठीक है, बनाने का। बाकी वीडियो के अंदर तो अलग बात है, वीडियो के अंदर पहला आपका टाइटल और थंबनेल, बस बस। अगर मेन चीज होता क्या होता है, पैकेजिंग। अगर आपने किसी प्रोडक्ट को अच्छे से पैकेज करा है, अच्छा, तो उसे यूट्यूब थंबनेल को इतना स्पेस क्यों देता है आपका, आफ्टर ऑल फोन के अंदर आप सबसे ज्यादा जब यूट्यूब का आप इंटरफेस खोलेंगे। अच्छा, तो आपको दो ही थंबनेल एक पेज पे एक स्क्रीन। अच्छा, पे अच्छा, एक चीज बताइएगा, मिस्टर इंडियन हैकर की टीम में आप थे, है ना, है ना, आपने कितने सालों तक काम किया वहां पर? 3 साल आपने उस चैनल पे काम किया। तो फिर आप अचानक, ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से आप उस टीम से बाहर हुए? यार 3 साल तक आपने उस चैनल पे काम किया, उसमें आपने मेहनत किया, आपने उसमें एफर्ट दिया, थंबनेल बनाने से लेकर वीडियो एडिटिंग तक सारा सब कुछ आपने किया, फिर ऐसी क्या वजह थी यार? इसके पीछे ऐसी कोई ज्यादा खास रीजन ऐसा मान नहीं सकते, लोग उसको बढ़ा लेते हैं पता नहीं क्यों, शायद से मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, तो अच्छा, मैंने अच्छा। एक स्टेप लिया कि
अपने नाम पे अपने दम पे कुछ करें, चाहे अपने को जीरो से करना पड़े। अच्छा, कुछ अच्छा, खुद अच्छा। का करते हैं ना तो एक अलग ही फील रहता है, उसका एक अलग ही स्वाद रहता है। आप देखिएगा, आप बाहर जगह जगह पे 10 प्रकार के आपको खाने मिलेंगे, डिफरेंट 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 डिफरेंट, बट आप जो अपने हाथ से बना के खाओगे ना उसका अलग ही स्वाद ही अलग रहता है। ये बताइए, घर बनाया अपने यूट्यूब के पैसे? अरे इसमें नहीं है, इसमें इसमें मेरा कुछ नहीं है, पापा जी, पापा जी ने बनवाया। पापा जी आर्मी में थे। अरे लोग देखिए, ये दिमाग लगा के आप इसको बता भी सकते हैं, यूट्यूब मनी से मैंने बनवाया नहीं ये मकान। अपने को वैसा काम नहीं करना है, नहीं काम करना है ना अपने को। अपने पास जब टैलेंट है, अपने पास जब आर्ट, अपने मेरी सोच आर्टिस्ट की तरह चलती है कि मेरे को कुछ करना है तो क्रिएटिव करना है। मैं चाहूँ तो सिंपल सा भी दिखा सकता था, मैंने थार में कैंपिंग करी, मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से दिखा सकता हूँ, या फिर मैंने कोई चीज़ प्रोडक्ट देखा तो मैं इसको सिंपल तरीके से दिखा सकता हूँ, तो गाइज ये आ गया प्रोडक्ट, इसको खोला ऐसा 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 नहीं, बट मैं सोचता हूँ कि उसको कुछ अलग तरीके से करा जाए, क्योंकि घूमते तो काफ़ी नॉलेज है ग्राफिकल डिजाइनिंग में, है ना? मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने मेरा एडिटर वाला वीडियो नहीं देखा, आपका 19 लाख गया है वो। हाँ, मैं 3D आर्टिस्ट हूँ, मैंने गेम डिजाइन एंड डेवलपमेंट में काफी इंटरेस्ट रखा है, रुचि रखी है। अच्छा, अच्छा। और उसी के लिए मैं मुंबई भी गया था, मैंने वहाँ पे काफी टाइम तक। अच्छा, अभी आपका क्या प्लान है यूट्यूब पर? यार आपके 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, है ना, तो कुछ ना कुछ तो प्लान होगा आपका यूट्यूब पर? प्लान बस यही है कि जो भी अपन चैनल पे पुट ऑन करें वो थोड़ा अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। अच्छा, क्या कैसे कैसे एडिट करते हैं थोड़ा सा देखिए, आज दिखाते हैं आपको इनका। भाई साहब का कैसा सेटअप है, कहाँ से एडिटिंग करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कौन सा लैपटॉप रखे हैं या फिर पीसी रखे हैं, सब कुछ पता होना चाहिए आप लोगों के। यार 10 दिन में यार इतने सब्सक्राइबर लेना हमारे ना हुए, हमने इतना मेहनत किया, भाई ने सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी, इस माइंड का दिमाग लगाकर जैसा थंबनेल डिजाइन किया, कंटेंट ठीक है, सोचते हैं ज्यादा है। अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वो आप लोगों के लिए 10 दिन होंगे, बट उस 10 दिन को करने के लिए मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी है पीछे, समझ रहे हैं आप? वो चीज ये मत देखिए आप कि वो 10 दिन में ग्रो हो गया, उसकी पहले मेहनत देखना चाहिए। आज लोग देखते तो हैं कि हाँ यार मिस्टर इंडियन हैकर कि यार इतने 3 करोड़ पब्लिक है, ऑडियंस है, लेकिन वो बिल्ड करने के लिए उन्होंने कैसे कैसे मेहनत किया। मेहनत करिए यार, मेहनत लगती है, तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, बिल्कुल सीखना पड़ेगा पहले, सीखना तो लोग ग्रो जल्दी होना चाहते हैं। बिल्कुल, चलिए भाई का सेटअप दिखाते हैं, और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, और एक ही चीज इनसे मैंने सीखा है कि अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस प्लस पॉजिटिवनेस, पॉजिटिवनेस होना चाहिए जो कि इनके अंदर है, और मुझे लगता है कि आगे चल के ये बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि पता है ये वीडियो बनाने से पहले कुछ ऐसा माइंड क्रिएटिविटी सोचते हैं ना, इतना मतलब जो अलग हो, यूनिक हो, जो कभी एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो इस YouTube की हिस्ट्री में। बिल्कुल, आगे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे आने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे। आपका एक वो वाला वीडियो मुझे काफी अच्छा लगा, 7 कंट्री आपने वन डे में विजिट किया, भाई साहब क्या गजब का कॉन्सेप्ट लगाया। लोग जाते हैं कि व्लॉग बनाया, नॉर्मली दिखाया, देखो गाइस ये है, देखो 7 कंट्री के यहाँ पर प्लेसेस बने हुए हैं, लेकिन स्टैचू है, लेकिन भाई ने अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया उसमें, मतलब एडिटिंग स्किल्स का यूज करके उसमें इन्होंने VFX यूज किया, बहुत सारी चीजें यूज की, छोटी छोटी चीजें यूज करी हैं। चलिए सर दिखाते हैं, तो अंदर चलते हैं, भाई का पूरा जो नहीं सेटअप जिसमें ये सब कुछ तड़कता भड़कता थंबनेल बनाते हैं, वीडियो वायरल हो जाती तुरंत ही, और वीडियो एडिट हो जाती ना, दिखाते हैं मिस्टर इंडियन हैकर के जो मेन एडिटर है उन्होंने वो क्या करते हैं, क्या कमाते हैं। आइए आइए वीरेन जी, हमारे वीरेन साहब दिखाएंगे कहां से वो उन्होंने 10 दिनों में 1 लाख सब्सक्राइबर किया, और वो कौन सी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया। ओ भाई साहब, तो ये है क्या भाई, ये छोटा सा स्टूडियो है हमारा, और 2 PC है, ये PC अभी नया बिल्ड करा है। बाप रे, इतना बड़ा PC देख रहे हो, ये इतना बड़ा PC भाई, यही बैठ के आप वीडियो मतलब एडिट करते हैं और वीडियो वगैरह सारी चीजें, सोचना यहीं पे एडिट करना, और इधर ये भी दो क्यों रखा भाई? ये तो गेमिंग के लिए था, अभी जस्ट नया परचेज। अच्छा, गेम खेलने का भी शौक है आपको? गेम खेलने का खूब शौक है, मैं गेमर ही हूँ ना, मैंने बताया ना। अच्छा दिखाइए, अरे पहले काम दिखाइए ना, आप घुमा रहे हैं, आप छिपा रहे हैं, सर्कल दिखाइए ना, कहाँ से आप क्या करते हैं, क्या क्रिएटिविटी है आपके अंदर, कौन सा सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? देखिए मैं अभी एडोबी क्रिएटिव क्लाउड यूज कर रहा हूँ। एडोबी क्रिएटिव क्लाउड? बिल्कुल क्रिएटिव क्लाउड। उससे क्या बनाते हैं आप? इसमें फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, तीनों चीजें, तीनों चार चीजें हैं, और उसी से वीडियो एडिट करते हैं, और थंबनेल भी वीडियो एडिट प्रीमियर प्रो से करते हैं, और कुछ अपने को VFX छोटा मोटा एडिट करना होता है, आफ्टर इफेक्ट्स, और फोटोशॉप से अपन थंबनेल एडिट करते हैं। फोटोशॉप से करते हैं? फोटोशॉप जी। लोग हम लोग तो ये पता नहीं कौन कौन से ऐप यूज करते हैं मोबाइल में, हर किसी के पास लैपटॉप नहीं है ना, तो मान लो कोई मोबाइल से कर सकता है।
तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मोबाइल से कभी आपने किया है? बिल्कुल करा है मैंने, करा है। मेरे इंस्टा के जितने भी वीडियोस और जो फोटोज हैं वो सारे मोबाइल से ही एडिट होके जाते हैं। मैंने अभी अगर आपने देखा हो तो दिखाइए, पहले काम दिखाइए आप, घुमा बहुत रहे हैं। अच्छा मैं काम दिखा पहले काम दिखाइए अपना आप। अच्छा बिफोर एंड आफ्टर काम। अच्छा ये मेरी लास्ट वीडियोस है, चले दिखाइए एक बार। ये मेरी लास्ट वीडियो का थंबनेल है और मैं आपको थंबनेल दिखाऊं तो अगर मैं इसका आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं। अच्छा अच्छा अच्छा, एडिटेड है ये। अच्छा ये एडिटेड है, ये वाला एडिटेड आप देख रहे हो, बट नॉन एडिटेड अगर मैं आपको दिखाऊं जो एडिट नहीं हो रखा है तो वो देखिए गाइस, मैं आपको दिखाता हूं इनका जो क्रिएटिविटी है, किस तरीके से थंबनेल को डिजाइन करते हैं। इधर आइए, पास से दिखाइए थोड़ा सा। तो ये देखिए, इधर ये पहले का है और ये आफ्टर, बिफोर आफ्टर। देखिए ना तो इसमें ज्यादा क्लाउड है, ना इसमें लाइटिंग है ज्यादा, ठीक है, ना इसमें सन की ज्यादा वो लाइटिंग ब्राइटनेस है। लेकिन इसमें देखिए एडिटिंग के बाद, अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा बैकग्राउंड चेंज हो रखा है। यहाँ से पूरा एक कट है और ये पूरी मिट्टी चेंज हो रही है पीछे की, पूरा बैकग्राउंड पूरा बैकग्राउंड चेंज हो रहा है क्योंकि ये पीछे खंबे वंबे बहुत सारी चीजें आ रही थी, पेड़ वेड़, तो मेरे को सही नहीं लग रहा था तो मैंने ये पूरा हटा दिया। और प्लस ये शेडो आ रही थी, जो कैमरामैन था उसकी शेडो अच्छा, यहाँ पे गिर रही थी, तो मैंने यहाँ से शेडो भी हटा। अच्छा, और कोई दिखाइए आप, और कुछ मिस्टर इंडियन के चैनल पे किया कुछ वैसा है आपके पास? बिल्कुल है, बिल्कुल दिखाइए। एक दो डेमो दिखा देखते ना कि भाई ये थंबनेल बनाते थे वहां पर, तो पहले क्या फोटो क्या होती थंबनेल के पहले और बाद में किस तरीके से एडिट की जाती वो आज आप देखिए यहाँ पर। बात समझ रहे, लाइव दिखा रहे हैं आपको। चलिए ये अपनी देखिए, आइए आइए इधर देखिए भाई, ये पहले की फोटो है, ये थंबनेल बनाने मतलब बनाने के पहले नॉर्मली फर्स्ट, ठीक है। देन इसके बाद ये देखिए, ये आफ्टर एडिटेड, ये ओरिजिनल थंबनेल है जो वीडियो में लगाया गया है और पहले इस तरीके से थी, कहां चली गई है? अरे वो ये भी धोखा दे दे रहा है आपको, आज पीसी धोखा दे रहा है। ये तो एडिटेड है, ये एडिटेड है और ये नॉन नॉर्मल ड्रोन से की चीज़ है, ड्रोन से ली गई है, ये नॉन एडिटेड है, ये एडिटेड है। देखिए कितना डिफरेंस है आपको साउंड में आ रहा होगा। ये आज आपका पीसी जो है आज परेशान है, आज परेशान हो गया है ना। और ये फोटो दिखाते हैं चलिए आपको, जैसे कि एक सेकंड अब मैं इसको काम करते हैं अपन। हाँ ये दिखाइए, ये देखिए एक और गाइस दिखाता हूं। देखिए ये पहले की फोटो है जो थंबनेल बनाने के लिए क्लिक की गई है कि ये थंबनेल हम इसमें बनाया जाएगा, ठीक है। मैं एक तिपाई के ऊपर चढ़ के वहां से मैंने कैमरे से फोटो खींचा है, तिपाई में इतनी सी जगह थी उसके ऊपर ऐसे बैठ गए। अच्छा, आप ही फोटो क्लिक करते थे जी? थंबनेल का आइडिया आप ही देते थे जी? ज्यादा खींचने से लेके एडिट करना से लेके सारी चीजों का आइडिया मिला। अरे वाह क्या बात है। और देखिए इसके बाद देखिए क्या हुआ, पहले बाद में देखिए कितनी क्रिएटिविटी है। पहले थंबनेल कैसा था अब ये देखिए, ये मेन ओरिजिनल थंबनेल है। तो कोई भी यूट्यूब पर यही चीज होती है, मेन फोकस हमें करना होता है थंबनेल में, थंबनेल। तो आप ये सब काम कितना टाइम लग रहा होगा इसको बनाने में? मान लीजिए देखो मेरे को उस टाइम पे बहुत मतलब जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, अभी तो इन सबसे हाथ भी छूट गया है, बट एक दो घंटा हद मार के, एक दो घंटे आप थंबनेल में देते थे हद मार के एक दो घंटा। अब जैसे कि ये वाला दिखाइए, देखो भैंस के आगे बीन बाजे वाला जो हमारे मिस्टर इंडियन हैकर के चैनल पे वीडियो देखिए, आपको आज रियलिटी पता चलेगी कि थंबनेल के पीछे बनाने के पीछे रहस्य क्या है। पहले एक देसी बिल्कुल मतलब कोई एडिटिंग नहीं, ये थंबनेल लगाया जाएगा ना तो मुश्किल से 100 में से ना 4 ही लोग क्लिक करेंगे। लेकिन अगर ये थंबनेल लगाया जाएगा तो देखिए 100 में से 20 लोग क्लिक करेंगे। तो ये है पावर थंबनेल का, थंबनेल मेकिंग का, ये टैलेंट है जो कि इनके अंदर है। एडिट करने से ज्यादा आपको जो पीछे एसेट्स लगे ना उनको ढूंढने में टाइम लगता है। ये देखिए मतलब नीम वूम सब गैप कर दिया आपने, सब गैप करा, पूरा सिलेक्शन आउट करके एक बैकग्राउंड लगाया डेजर्ट का क्योंकि ये बहुत कचरा हो गया। देखिए बिल्कुल पेड़ और सब हट गए, देखिए रेगिस्तान लगा दिया भाई ने, गजब यार भाई। और मैं आपको दिखाऊंगा जैसे कि आप ये वाला देखिए, ये और ये, हाँ दिखाइए इसको, इसको देखिए भाई जो ये देखिए, ये देखिए ये इंडियन हैकर वो है हमारे दिलराज भाई है। देखिए कार इसके अंदर है, ठीक है, और ये ओरिजिनल थंबनेल है बिल्कुल। आफ्टर एडिटेड देखिए थंबनेल कैसे बनता है, आप देखिए यहाँ पर होगा। ये थिंकिंग होती है और जो अपन सोचते हैं, मैंने फोटो खींची उस टाइम पे मैंने सोचा कि मुझे एडिट कैसे करने का है, उसी टाइम पे जब आप खींच रहे होते तभी आपको प्रोसेस करना चाहिए कि आप एडिट कैसे करने वाले हो, क्योंकि फिर आपको पता ही नहीं कि आप एडिट कैसे करने वाले, तो उसको खींचने का मतलब ही नहीं है। तो खींचने से पहले मेरे को सोच लिया कि एडिट करना कैसे है, तो उस हिसाब से मैंने खींची है। देखिए बिल्कुल अलग लग रही है,
इस तरीके से ये थंबनेल बनाते और हाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इसको फ्लिप मारने का रीजन पता है क्यों है? क्यों यहाँ पे ये विल इट डाई ऐसे करके यहाँ पे क्यों मारा है? क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब का टाइमर आता है, टाइमर आता है, इस वजह से ये चीजें इधर लिखी, इसको यहाँ पे फ्लिप मार दिया, वरना वो टेक्स्ट पढ़ने में नहीं आता, पढ़ने में। ये चीजें छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें हैं जो टाइटल और थंबनेल के अंदर है ना, अपने को दिमाग लगा के लिखनी पड़ती है। तो वीरेन जी, हमारी ऑडियंस देख रही है, काफी कुछ सीखा होगा इन्होंने इस वीडियो से, ठीक है? तो बाकी आप अपनी तरफ से हमारी ऑडियंस के लिए क्या करना चाहेंगे, जो न्यू यूट्यूबर है, जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं और अभी भी ग्रो नहीं कर पा रहे, मेहनत कर रहे हैं? देखो आपका क्या राय है? मेरी ये राय रहेगी कि यार पहली बात तो गलत, एक तो गलत सहमी रहती है कि पहली वीडियो डालते वायरल हो जाएगी, ऐसा कुछ रहता, ऐसा नहीं होता। आपको उसके पीछे है ना मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े दिन तक आपको चीजें फाइंड करनी पड़ेगी कि किस नीश पे आप काम करने वाले। पहली बात तो आपको नीश डिसाइड करनी है, सबसे पहले नीश डिसाइड करनी है आप करने क्या वाले हो, ठीक है? फिर उसके बाद आपको कंटेंट हंट करना है, आप एक क्रिएटर हो तो आपको एक कंटेंट हंट करना पड़ेगा। फिर उसकी थंबनेल पहले मतलब समझे बताइए थोड़ा सा, कंटेंट हंट मतलब फाइंड करना, फाइंड कंटेंट आप किस चीज बनाना है, और जैसे आप एक्सपेरिमेंट वाले हो तो एक्सपेरिमेंट में क्या करने वाले हो, किसी रिक्शा का टायर बड़ा कर दिया, गाड़ी को आधा कर दिया, ये सब सोच देता कौन था पहले? सब मिक्स कर रहता, अच्छा मिक्स सभी के मिक्स रहती थी, अच्छा टीम की मिक्सिंग थिंकिंग रहती थी और वैसे ही काम होता था। तो ये सब अपने को सोचना पड़ता है, प्लस फिर आपको थोड़ा बहुत चीजें पहले भी सोच के रखनी कि आपको दिखाना किस तरीके से, प्रेजेंट किस तरीके से करना है, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जो नेचुरली नहीं हो सकती। यहाँ पे एक बार कोई चीज टूट गई ना तो वो टूट गई, वो खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, आपको पहले ही सोचना पड़ेगा यार, आप पहले ही आपको चीजें प्रिपेयर करके रखनी है, वरना आपका हकीकत में लाखों का नुकसान हो सकता है इन सब चीजों। सही कह रहे हैं। तो आप ऐसा कुछ करो तो पहले थिंकिंग करो, स्क्रिप्टिंग करो, सब चीजें रहेगी, फिर उसके बाद ये सारी चीजें करो, वरना आप तो ऐसे लॉस और डेबिट में चले जाओगे। तो भाई बहुत अच्छा लगा भाई से मिलकर, वाकई में इनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने इनके अंदर क्रिएटिविटी है और इस क्रिएटिविटी से इतनी जल्दी इनका चैनल चला है। तो अगर आपके अंदर भी ऐसा टैलेंट है क्रिएटिविटी का तो आप भी दिखा सकते हैं और चीजें आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? बाकी आप इनके चैनल पे जाके सब कुछ देख सकते हैं। बाकी मेरे से ज्यादा ज्ञान का भंडार देखिए, चीजें हमें पता है लेकिन कुछ चीजें हमें अंदर से नॉलेज है, लेकिन आपके अंदर टैलेंट है वो, ठीक है? आप उसका इस्तेमाल करके बहुत आगे जा सकते हैं ना। तो बाकी इनके चैनल पे देखेंगे जाके, वीरेन सिंह इनके चैनल को देखेंगे ना, वाकई में आपको इनके थंबनेल और टाइटल क्या गजब का कंटेंट का एडिटिंग है, स्किल्स क्या क्या यूज किया, आने वाला और भी खतरनाक होगा, आने वाले वीडियोस भी बहुत खतरनाक होंगे। भाई को बिल्कुल सपोर्ट करिएगा, दिल खोल के सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बाकी आप ऐसे आगे बढ़े, बहुत आगे जाए, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।